वैकल्प्य है, वो व्यग्रता है, व्यग्रता वो रुकाए, व्यग्रता थोड़ी रुकाए। और ये प्रभाव ऐसा था, ये भी संक्रामक रोग है भाई प्रेम, संक्रामक रोग है। जैसे संक्रामक रोगी को छू लो, उसके पास बैठ जाओ तो रोग के संक्रमण का खतरा रहता है। तो इसे प्रेमी जनों के पास बैठने से प्रेम के संचार का खतरा रहता, खतरा। तो नंद बाबा के पास बैठने से तो व्यग्रता, व्यग्रता एक तो वैसा प्रेमोत्कर्ष, प्रेमोत्कर्ष ऐश्वर्य पूर्ण प्रेमोत्कर्ष, ज्ञान विज्ञान पूर्ण प्रेमोत्कर्ष, इसका संचार तो उद्धव के मन में हो गया। लेकिन जो व्यग्रता है, जो प्रेमजन व्यग्रता है, व्यग्र हो करके बेहाल हो जाना, बेहाल हो जाना, तन मन की सुख बुद्ध सब भूल जाए, ये व्यग्रता है लोकोत्तर कोटि की, ये उद्धव में संचार नहीं हुआ। क्यों? वो होगा तो उपदेश करने लायक नहीं रहेंगे, व्यग्रता हो जाएगी तो उपदेश नहीं कर सकेंगे, फिर भगवान भेजते ही नहीं उनको, ये संदेश लेकर भेजते ही नहीं। संदेश लेकर भेजा ही इसीलिए कि सबकी व्यग्रता देखो तुम व्यग्र ना हो, व्यग्रता देखो तुम व्यग्र ना हो, तुम उनको सावधान हो करके ज्ञान विज्ञान पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण प्रेम भक्ति का उपदेश कर। इस अभिप्राय से भगवान ने, क्योंकि सब भगवान की प्रेरणा ही से हो रहा है जो कुछ काम, भगवान की प्रेरणा, उमा दार जोशित की नाई सबे नचावत राम गुसाई, दार जोशित जैसे होती कठपुतली, उसको जैसा सूत्रधार नचाता है वैसे वो नाचती है, तैसे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर परब्रह्म भगवान कृष्ण, वही जिसको जैसा बनाते हैं वो वैसा बनता है। उद्धव के मन में जैसी प्रेरणा देते हैं, जैसे भाव का आविर्भाव करते हैं, वैसा उद्धव बोलने लगते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं अहं यंत्रम भवान यंत्री, आप यंत्री हो, हम आपके यंत्र हैं, जैसा चलाओ तैसा ये यंत्र चलेगा, हम कुछ नहीं है। हमारे मन से बुद्धि से हमारी वाणी से क्या क्या निकलना चाहिए, जैसी आप चाहो जैसी प्रेरणा करो वही निकलेगा, हमारे बस की कुछ बात नहीं। ये भक्तों की भावना होती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सृजन् तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, ईश्वर ही सब प्राणियों के हृदय देश में विराजमान रहते हैं, यंत्रारूढ़ की तरह प्राणियों को नचाते हैं। इस प्रकार से ईश्वर प्रेरित हो गच्छे, तो इन सब दृष्टियों से भगवान ने उद्धव को वो क्या नाम व्यग्रता, व्यग्रता पूर्ण अनुराग का प्रकाश न करके ज्ञान विज्ञान पूर्ण जो प्रकाश है प्रेम प्रकाश वही प्रदान किया। इसीलिए सावधान से जब वो देखते हैं कि नंद जी में व्यग्रता बहुत आ रही है, प्रेमोत्कर्ष से अभी मूर्छित हो जाएंगे थोड़े क्षण में, चट उसी समय जो है सो ऐश्वर्य की बात उठा करके कृष्ण की लोकोत्तर महिमा आप बोले तो विश्व सच बीज जोनी, अरे जो 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 तुम्हारे नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र और जो तुम्हारे बलराम, अरे तो विश्व सच बीज जोनी, ये सारे विश्व के बीज हैं। बीज माने समवायी कारण, और जोनी माने निमित्त कारण, समवायी कारण निमित्त कारण दोनों हैं। ये तो विश्व सच चकारात सर्वावतारांच बीज जोनी, चकार से सभी अवतारों का भी यही बीज है, यही जोनी, इन्हीं से सब संपूर्ण सारा विश्व प्रपंच का प्रभाव होता है, इन्हीं से विविध प्रकार के अवतार भी होते हैं, इसलिए ये बलराम और कृष्ण दोनों विश्व के समवायी कारण है और निमित्त कारण। बोले समवायी कारण निमित्त कारण रूप से तो प्रधान पुरुष प्रसिद्ध है, तो कहा पुरुष प्रधानम, आप ही पुरुष प्रधान भी हो, अर्थात बलराम और कृष्ण यही पुरुष है, यही प्रधान है, इसलिए प्रधान पुरुष भी आपसे भिन्न कोई चीज नहीं है। अब यह प्रश्न ये है कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात है,
कई जगह ये बोलते हैं कि सीता प्रकृति है, राम राम जो है सो पुरुष है, राधा प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन ये बात दार्शनिक दृष्टि से खरी उतरती नहीं, क्योंकि स्त्री हो पुरुष हो, स्त्री पुरुष तो देह है, आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं है, देह ही स्त्री पुरुष है। नहीं वो स्त्री न पुमानेश न चाहिए नपुंसका, जो पुरुष है वो तो न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा जो है न पुरुष है न न, न तो स्त्री है, किंतु जैसा देह ग्रहण कर लेता वैसे ही बन जाता है, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक। जज्जत शरीर मादत्ते, स्त्री का देह धारण कर लिया आत्मा स्त्री हो गया, पुरुष का देह धारण कर लिया पुरुष वही आत्मा पुरुष हो गया, नपुंसक देह धारण कर लिया वही आत्मा नपुंसक हो गया, वही देवता दानव पशु पक्षी जैसे जैसे देहों को ग्रहण करता बना करता गया वैसा वैसा हो गया। वास्तव में आत्मा न शूकर कूकर कीट पतंग न पशु पक्षी न देवता दानव मानव न स्त्री पुरुष न नपुंसक कुछ नहीं। फिर सीता प्रकृति राम पुरुष ही बात कैसे, कहां तक संगत है, कहां तक संगत है? तो इसलिए जीव है, जीव की दृष्टि से या ईश्वर की दृष्टि से बोले तो ईश्वर में भी राम में भी प्रकृति पुरुष दोनों मिले हैं, सीता में भी प्रकृति पुरुष दोनों मिले हैं, दोनों स्त्री पुरुष में दोनों में प्रकृति पुरुष मिले हैं। देहादि सब प्रकृति के अंश है, आत्मा पुरुष का अंश है, यही तो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि सब प्रकृति के अंश है, आत्मा पुरुष का अंश है। तो प्रकृति पुरुष की मिलावट स्त्री भी है, प्रकृति पुरुष की मिलावट क्या है पुरुष भी है, है ना? तो इस दृष्टि से ही हम कहा करते हैं कि जैसे अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा का राम रूप में प्रादुर्भाव है, वैसे उसी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा का सीता रूप से प्रादुर्भाव, जैसे उसी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा का कृष्ण रूप में प्रादुर्भाव है, उसी तरह से उसी पर ब्रह्म परमात्मा का राधा रूप में प्रादुर्भाव। इसीलिए वो संगत है एक ज्योतिर्भूत द्विधा राधा माधव रूपकम, एक ही अखंड ज्योति ब्रह्म ज्योति दो रूप में प्रकट हो गई है, राधा के रूप में कृष्ण के रूप में। तो राधा प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है, ये कल्पना आपेक्षिक निरपेक्ष नहीं, ये कल्पना निरपेक्ष नहीं आपेक्षिक कल्पना। वास्तव में राधा कृष्ण दोनों अभिन्न वस्तु है, सीताराम दोनों अभिन्न वस्तु हैं, और एक अखंड ब्रह्मी है ये इत्यादि। इसीलिए नीलकंठ जी अपने भावदीप में और देवी भागवत के व्याख्यान में लिखते हैं, भाई साधिष्ठाना प्रकृति कह लो और सत्यमत पुरुष कह लो, दोनों का एक ही अर्थ होता है, न केवल प्रकृति की पूजा हो सकती है न केवल पुरुष की पूजा हो सकती है, पुरुष की पूजा जब होगी तब सत्यमत्तया शक्तिमान पुरुष की पूजा होती है, और प्रकृति की जब पूजा होगी तब केवल प्रकृति जड़ है, केवल प्रकृति की पूजा नहीं होती, साधिष्ठाना प्रकृति की पूजा होती है, अधिष्ठान सहित प्रकृति की पूजा होती है, दोनों एक ही, वही साधिष्ठान शक्ति वही सत्यमत ब्रह्म, दोनों का ही कई अर्थ होता है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म ही है? तो रामादि रूप में है, और साधिष्ठान शक्ति अधिष्ठान रूप ब्रह्म सहित जो शक्ति है वही भगवती आदि के रूप में प्रकट होती है, वस्तु तो एक। इस अभिप्राय से साधिष्ठाना शक्ति में शक्ति का प्राधान्य पुरुष बन गया विशेषण, सत्यमत ब्रह्म में शक्ति विशेषण हो गया और पुरुष हो गया विशेष्य। इस तरह से प्राधान्य प्राधान्य अभिप्राय से जहां पुरुष का प्राधान्य है वहां सत्यमत ब्रह्म कह दिया, जहां प्रकृति का प्राधान्य है वहां साधिष्ठान शक्ति बोल दिया, इस प्रकार से व्यवस्था चलती। इसी अभिप्राय से राधा को शक्ति, कृष्ण को पुरुष, सीता को शक्ति, कृष्ण को राम को पुरुष इत्यादि उक्तियां चलती।
सापेक्ष उक्तियां, निरपेक्ष उक्तियां नहीं। तो वो शक्ति जो है वो कहते हैं व्यवहार में दो ही से काम चलता है, एक से काम चलता ही। दो चक्र के बिना रथ नहीं चलेगा, एक चक्र से रथ कभी नहीं चलेगा। ऐसे स्त्री पुरुष का जोड़ा संसार चलाएगा, न स्त्री संसार चला सकती है न पुरुष संसार चला सकता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा दो चक्र में रहे तो रथ चले। आप दुनिया में देखो गर्म तार और ठंडा तार दोनों तार मिले तब प्रकाश। खाली ठंडा तार फिट फिट करते रहो कुछ नहीं होगा, खाली गर्म तार कुछ काम नहीं बनेगा। ठंडा तार गर्म तार दोनों मिले तब काम चले। इसी प्रकार से ऋण धन दो चीज है, दोनों का जोग हो तब कोई व्यवस्था चलती है। खाली ऋण से नहीं काम चलेगा, खाली धन से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से शक्ति शिव शक्ति, केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल शिव से काम नहीं चलेगा। शक्ति बिना शिव शव, शव माने मुर्दा, मुर्दा से क्या काम चलता है। शक्तिहीन शिव शव और शिवहीन शक्ति जड़ प्राय अकिंचित कर। इसलिए ऐसे ठंडा तार गर्म तार दोनों मिले तब काम चले, ऐसे शिव शक्ति दोनों मिले तब काम चले, प्रकृत पुरुष दोनों मिले तो काम चले, स्त्री पुरुष दोनों मिले तो काम चले। सृष्टि की व्यवस्था में स्त्री भी चाहिए पुरुष भी चाहिए। फिर वहां स्त्री पुरुष के स्वभाव में भेद आ गया, स्त्री का स्वभाव दूसरा पुरुष का स्वभाव दूसरा। स्त्री में कोमलता की प्रधानता होगी, पुरुष में कठोरता की प्रधानता होगी। स्त्री में धारण करने की शक्ति होगी, पुरुष में दातृत्व शक्ति होगी। इस प्रकार से दोनों के पृथक पृथक स्वभाव, पृथक पृथक लक्षण, यहां तक कि बाह्य रूप भी, पुरुष का भीषण रूप दाढ़ियों और मूंछों का उपद्रव खड़ा हुआ और एक बाउंडर लिए हुए, बोली भी बोलेगा भों भों लम्मा चौड़ा, और स्त्री का संगीत होने लगेगा तो फिर क्या कहना है, वो बड़े प्रेम से सुनो। आजकल कहीं रेडियो में दोनों का साथ बुलाते हैं तो ऐसा बेढोल लगता है, कहीं कहीं तो साथ संगीत होते हैं, सह संगीत रेडियो पर तो कहीं कई कई जगह मिल जाते हैं, कई जगह तो बहुत बेढोल होता है। तो इस प्रकार से ये स्वभावों में पार्थक्य है, लेकिन स्वभाव में पार्थक्य होने पर भी उनके मिलने से ही सांगता आती है। कोमलता कठोरता दोनों सीमित मात्रा में रहे, दोनों का मेल होए तब काम चले, दोनों के मेल बिना काम नहीं चलता। इसी प्रकार से शिव शक्ति के सामंजस्य से ही संपूर्ण काम चलता है, गर्म तार ठंडे तार के सम्मिलन से ही प्रकाश होता है। इसी प्रकार से शिव शक्ति के सामंजस्य से ही संपूर्ण विश्व की व्यवस्था चलती है। इस दृष्टि से प्रधान और पुरुष दोनों ही विश्व के प्रधान, विश्व का योनि है। क्या बीज क्या करता है, बीज क्या करता है, ईश्वर के प्रभाव से धरणी में बीज डाला, धरणी में पृथ्वी में बीज डाल दिया, गेहूं का बीज, जौ का बीज, बाजरे का बीज धरती में डाल दिया। धरती में डाल देने से धरती पानी वायु धरणी अनिल जल संयोग, धरणी अनिल जल संयोग तीन हो, फिर पृथ्वी मिले, जल मिले, वायु मिले। वायु न हो तो भी न बीज में पैदा हो, बीज अंकुरित नहीं हो सकता वायु न हो तो, जल न हो तो भी वायु बीज अंकुरित नहीं होगा, पृथ्वी न हो तो भी। खाली घड़े में रख करके पानी डाल दो उसमें वायु लगाओ उतने अंकुर पैदा होगा। अंकुर पैदा करने के लिए धरणी चाहिए, अनिल चाहिए, जल चाहिए, धरणी अनिल जल संयोग से बीज अंकुरित होगा। तो ईश्वर की शक्ति से बीज स्वसजातीय अवयवों को, स्वसजातीय अवयवों का संग्रह करके, या बीज के सजातीय पार्थिव अवयव, बीज के सजातीय पार्थिव अवयव, क्योंकि क्योंकि जो पृथ्वी में बहुत प्रकार के अवयव हैं, पृथ्वी में गन्ना
को अभिवर्धन करने वाले भी अवयव हैं, संतरा को भी अभिवर्धन करने वाले अवयव हैं, आम को भी अभिवर्धन करने वाले अवयव हैं, इमली को भी अभिवर्धन करने वाले अवयव हैं, गेहूं को भी, जव को भी, बाजरे को भी, सबको अभिवर्धन करने वाले अवयव पृथ्वी में है। पृथ्वी का एक भंडार है, अनंत अनंत शक्तियों का भंडार। उसी धरणी में गन्ना बो दो तो उसमें से गन्ना के सजातीय अवयवों का संकलन होगा, उससे गन्ना का स्वरूप बन जाएगा। उसी पृथ्वी में संतरा का बीज डाल दो तो उसी पृथ्वी में से संतरा के अभिवर्धक अवयवों का संग्रह होगा, उसके द्वारा संतरा का स्वरूप बन जाएगा। गुलाब का बीज डाल दो उसी में से गुलाब के गंध के तमाम सजातीय सब अवयवों का संकलन होने लगेगा। उसी जगह में कोई दुर्गंधित विष वृक्ष बो दो तो उसके अनुगुण भी सामग्री सब वही मिल जाएगी। तो ईश्वर की अचिंत शक्ति, अनंत महिमा और उसका अखंड अखंड वस्तुओं का भंडार, उसकी भूमि शक्ति, प्रकृति शक्ति, उस प्रकृति शक्ति में से बीज के सजातीय अवयव, सजातीय अवयव भूमि से एकत्रित होकर के वो अंकुरादिकों को पोषण करते हैं। और साथ ही उसके लिए उचित अधिष्ठान चाहिए, उचित अधिष्ठान चाहिए। अनुचित अधिष्ठान में इन सब द्वारा पोषण नहीं हो सकेगा, इसलिए उचित बीज हो, उचित जोनी, उचित उस जोनी में भी सजात्य की अपेक्षा, सजातीय जोनी हो। किसी विजातीय में, विजातीय में किसी विजातीय व्यक्ति का बीज जाए, विजातीय योनि में विजातीय व्यक्ति का बीज जाए, वहां से वस्तु उत्पन्न न होगी, और उत्पन्न होगी तो नष्ट हो जाएगी, उत्पन्न होगी तो नष्ट हो जाएगी। जैसे कहते खच्चर उत्पन्न होता है गधे घोड़े के संसर्ग से, योनि भिन्न जाति का बीज, भिन्न जाति का, भिन्न जाति की योनि, भिन्न जाति का बीज, उससे उत्पन्न होने वाला खच्चर, उसका संतान आगे नहीं चलती, वंश परंपरा लुप्त, बस। इधर कलमी आम से दूसरा आम नहीं पैदा होगा, कलमी आम से कलमी आम बनाओ नहीं, बीजू आम की जरूरत है, बीजू आम से जुड़ेगा। इस प्रकार से उसमें भी सजातीय की अपेक्षा, इसलिए सजातीय सजा बीज के सजातीय अवयव एकत्रित होकर के बीज का पोषण करते हैं, इसी प्रकार से सजातीय योनि के संसर्ग से और वो रूप धारण करता है। तो इस तरह से ये विश्वस्य एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि, ये दोनों बलराम और कृष्ण विश्व के बीज और योनि हैं, अर्थात एक समवायी कारण है और एक निमित्त कारण है, फिर इसके भेद कल बताएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। राम माने बलराम और मुकुंद कृष्ण, ये दोनों ही विश्व के बीज और जोनी। अर्थात समवायी कारण और निमित्त कारण, और वही पुरुष और प्रधान, वही पुरुष है, वही प्रधान है। यहां यो समझ सकते हो, एक तो कल वाली दृष्टि जो बताई, अर्थात तो दोनों दोनों, जैसे स्त्री पुरुष दोनों में ही पुरुषांश और प्रधानांश होता है, पुरुषांश प्रधानांश दोनों होता है, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि तो सब प्रधानांश, और आत्मा जो है वो स्वयं पुरुषांश, सब में, स्त्री में, पुरुष में, सब में, आत्मा सभी का अजर अमर अनंत अखंड है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए तुम कुमार उत्बा कुमारी, तुम जीर्णो दंडे न बंचस जातो भवस विश्व तो मुखा, ये श्रुति कहती है
त्वं कुमार उतवा कुमारी, भगवान ही कुमार हैं और भगवान ही कुमारी हैं। कुमार के रूप में भी भगवान का प्रादुर्भाव, कुमारी के रूप में भी भगवान का प्रादुर्भाव। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, आप ही बहुत बड़ऊ बाबा बनकर दंड से ठेकते हुए चलते हैं। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, जीर्ण होकर के दंड से, वंचस माने चलसी, चलते हो। जातो भवस विशतो मुखः, विशतो मुख होकर के अनेक रूप से आप ही प्रादुर्भूत होते, उपलक्षण। कुमार कुमारी जीर्ण उपलक्षण है, जितना भर भी सारा प्रपंच है, विशतो मुखः सर्व रूप से आपका ही प्रादुर्भाव होता है। तो एक दृष्टि तो यही, और दूसरी दृष्टि ये ले लो कि बलराम है अव्याकृत, अव्याकृत ब्रह्म बलराम, लक्ष्मण कहो, बलराम कहो, शेष कहो, सब क्या है? अव्याकृत ब्रह्म। इसीलिए भागवत में वर्णन है, नष्टे लोके दुपरार्धावसानि महाभूते स्वादिभूतंगतेषु व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन जाते भवानेको शिष्यते शेष संज्ञा। जिस समय दुपरार्ध के अंत में ब्रह्मा की आयु खत्म होने पर नष्टे लोके, लोक नष्ट हो जाता है, उस समय महाभूतेषु आदिभूतंगतेषु, महाभूत जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये आदिभूतंगतेषु, आदिभूत माने अहं तत्व में लीन हो जाते, पंच महाभूत अहं तत्व में प्रविलीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत आदिकों में प्रलय और सृष्टि का वही सब प्रक्रम बताया। अंत में व्यक्ते व्यक्तम, व्यक्त जो है माने महत, अहं तत्व और महत तत्व, ये व्यक्त है। ये व्यक्ते अव्यक्तं काल वेगेन जाते, काल वेग से व्यक्त भी अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अहं तत्व महत तत्व अव्यक्त तत्व में लीन हो जाते हैं। व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन जाते, उस समय भगवान एक शिष्य थे, एक आप बाकी बचते, उस समय आपका नाम शेष रहता है। शेष माने जो बाकी बचे, क्या कहते जरब तकसीम तो उसमें तकसीम में जो भाग बचता है, भाग बचता है वही शेष है। अमुक से अमुक गया, शेष बचाइए, हाथ आया ये, तो वही शेष है। तो सारे भूत प्रपंच सारा व्यक्त अव्यक्त में लीन हो जाता है, उस समय शेष संज्ञा वाले आप ही बचते, या शेषा संज्ञा जस्मिन, संपूर्ण संज्ञा जितने भर नाम आदि हैं वो सब उसी में रहते हैं। या संज्ञा माने ज्ञान, अशेष अशेष पदार्थों की संज्ञा ज्ञान आप में रहता है, इसलिए आप अशेष संज्ञ हैं। माने भूत प्रपंच प्रबलीन हो गया तो ऐसा नहीं कि भूल भुलैया हो जाए, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ जुड़ जाए। धोबी के यहां बहुत से कपड़े जाते हैं, कभी कभी ऐसा झमेला हो सकता है दूसरा कपड़ा दूसरे के पास चला जाए। एक में चीज मिल गई तो फिर उसमें से निकालना सामान्य बात। पानी और दूध मिल जाता है, कौन उसको पृथक पृथक कर सकता है? हंस, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं पानी और दूध को अलग अलग कर दे। और उससे भी कठिन, समुद्र में गंगा मिल गई, जमुना मिल गई, सरस्वती मिल गई, अब गंगा के पानी को अलग निकाल दो, सरस्वती के पानी को अलग निकाल दो, जमुना का अलग निकाल दो, कितना टन कितना मन कितना तोला कितना रत्ती गंगा का, कितना टन कितना मन कितना तोला जमुना का, सबका ठीक विवेक रखना किसके बस की बात है।
किसी जीव के बस की बात नहीं, भगवान ही पूरी ज्ञान है, भगवान पूरी ज्ञान है। इस समुद्र में कितने कितने परमाणु गंगा के हैं, कितने कितने परमाणु यमुना के हैं, कितने कितने परमाणु सरस्वती के हैं, उनको सब ज्ञान है, उनको सब ज्ञान है। और चाहे तो सबको पृथक भी कर दे, चाहे तो सबको पृथक कर दे समझे, बल्कि उन्हीं की अघटित घटना पटी सी मंगलमयी लीला शक्ति से बादल जो पानी निकालता है तो वो बादल वही पानी बरसा है जो जहां का है, इसलिए गंगा का पानी वही पड़ेगा जहां से फिर लौट कर गंगा में जाए। समुद्र से जो गंगा का पानी बादल के द्वारा उठाया गया वो वही पड़ेगा जहां से फिर गंगा में जाए, यमुना का पानी वही से वही पड़ेगा जहां से फिर यमुना में जाए, क्योंकि साधारण जल तो नहीं है वो, तो सब असाधारण चीज है, ब्रह्म द्रव है। तो कोई नई नई चीज, नया नया कोई थोड़ा ब्रह्म बनता रहता है, नया नया तो ब्रह्म नहीं बनता रहता, वो तो जो उसकी सुस्थिर वस्तु है वही बनती है, इसलिए वो विशिष्ट बातें हैं। तो ये सारा, ये संपूर्ण सामर्थ्य किसी जीव में नहीं है, किसी अल्पज्ञ में नहीं हो सकता। फिर उससे भी कठिन है कि अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान परमात्मा में सब जीव लीन हो गए, सब उनके अंतकरण भी लीन हो गए, लिंग शरीर लीन हो गया, उनके इतने कर्म है सब लीन हो गए। अतः अगर सब, अगर सबका जीव पृथक पृथक रहे, लिंग शरीर पृथक पृथक रहे, उनके कर्म पृथक पृथक रहे, तो कहां प्रलय हुई? प्रलय का तो मतलब अविभागापत्ति, अविभागापत्ति का नाम प्रलय, जितना विभाग है मैंने विभाग का ही नाम उत्पत्ति है, तत्त्व पदार्थों का विभाग हो जाए यही उत्पत्ति है, और अविभागापत्ति प्रलय है। तो अविभागापत्ति का अर्थ है कि संपूर्ण जीव, संपूर्ण उसके लिंग शरीर और संपूर्ण उसके कर्म सबके सब ब्रह्म के साथ अविभक्त हो गए। तो ब्रह्म के साथ अविभक्त हो गए तब किसकी सामर्थ्य है कि उस अविभक्त हुए को ज्यों का त्यों निकाल देना, उसमें कोई भूल भुलैया ना हो, दूसरे दूसरे प्राणी का सुमेध दूसरे के साथ जुड़ जाए, दूसरे प्राणी की ब्रह्मत्या दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो बहुत बेढंगा उपद्रव खड़ा हो जाए। इसलिए अशेषाणाम प्राणिनाम कर्मणाम तेषाम तेषाम वस्तूनाम संज्ञा ज्ञानम जस्मिन अवशिष्यते वो अशेष संज्ञा। इसलिए संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण लिंग शरीरों का, संपूर्ण कर्मों का पूर्ण संज्ञा पूर्ण ज्ञान रहता है जिसमें। और फिर जैसे हंस क्षीर नीर को पृथक कर देने की ताकत रखता है, जैसे भगवान ये भी ताकत रखते हैं कि किसका कर्म कहां, किसका कौन जीव का लिंग शरीर, किसका कौन कर्म, वो सबको एकदम पृथक कर सकते हैं। इसलिए सृष्टि काल में सबको विभक्त कर देते हैं, प्रलय काल में सबको अविभक्त कर देते हैं। तो अस्तु दूसरी बोर चले गए। सार ये है कि इन सब दृष्टियों से वो जो है क्या चीज है, वो क्या चीज है, उसका नाम अव्याकृत है। कारण ब्रह्म में प्रपंच का विलय होता है, कारण ब्रह्म में, उसी कारण ब्रह्म को अव्याकृत कहते हैं। अव्याकृत माने व्याकरण से पहले की हाल, नाम रूप का जो व्याकरण हुआ माने का विस्पष्टीकरण, नाम रूप का विस्पष्टीकरण तो सृष्टि, सब नाम रूप पृथक पृथक हो जाए यही सृष्टि है। और नाम रूप के व्याकरण के जो पहले की अवस्था, नाम रूप के स्पष्टीकरण की जो पहले की अवस्था, उसी का नाम अव्याकृत, अव्याकृत बीज अवस्था, जो बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, अंकुर अंकुर भाव को जो जीव प्राप्त होता है, जो बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है वही अंकुर अंकुर अंकुरोत्पत्ति उन्मुख जो उच्छून बीज है, धरणी अनिल जल के संसर्ग से कुछ थोड़ा फूल जाता है, धरणी अनिल जल के संसर्ग से कुछ फूल जाता है बीज, फूलता है तो फूटता है, फूटता है तब उसमें से अखुआ निकलता है। यह है क्रम। इसीलिए कहीं कहीं लिखा तस्माद अव्यक्त उत्पन्नम, अव्यक्त भी उत्पन्न होता है। त्रिगुण द्विसत्तम माने क्या ना, त्रिगुण जो अव्यक्त है वो भी भगवान से उत्पन्न होता है,
उत्पन्न कैसे होता है, आज है वो तो उत्पन्न होने का अर्थ क्या है, उत्पन्न होने का अर्थ माने माने कार्योन्मुखम भवति, कार्योत्पादनोन्मुखम भवति, कार्योत्पादन के उन्मुख हो जाता है यही उत्पत्ति, कार्योत्पादन के उन्मुख हो जाता है यही उत्पत्ति, उसमें कुछ विशेष अवस्था उत्पन्न हुई वही अवस्था उत्पन्न होती है, उच्छूनावस्था, बीज की जो उच्छूनावस्था वही उच्छूनावस्था उत्पन्न होती है, उसी उसी को अभिप्राय लेकर के बोले तस्माद अव्यक्तम उत्पन्न, उससे अव्यक्त उत्पन्न होता है। तो इसलिए उसी को श्रीमद् भागवत में कहा अव्याकृतम अनंताख्यम आसनम जदधिष्ठितम, से साई भगवान जिस शेष सैया पर विराजमान सो रहे हैं वही शेष है, वही अनंत है, अनंत नाम उसका है, वही अव्याकृतम है, वही अव्याकृत है, वही भगवान का आसन, क्योंकि भगवान कहां रहते हैं, भगवान अब अक्षरात परतः परः, पर अक्षर से परे रहते, तब अर्थात पर अक्षर उनकी शैया है, पर अक्षर पर वो सोते हैं, तो जो 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 जिस पर सोता है उससे भिन्न नहीं होता है, पलंग पर सोने वाला देवदत्त पलंग से भिन्न नहीं है, इस तरह से अव्याकृत से अव्याकृत पर रूपी शेष पर सोने वाला भगवान अव्याकृत से भिन्न है, यही अक्षरात परता परह का अर्थ हुआ, पर अक्षर जो है, एक तो अपर अक्षर केवल प्रकृति, केवल प्रकृति अपर अक्षर, और पर अक्षर अव्याकृत ब्रह्म रूप अक्षर वो पर अक्षर है, उस पर अक्षर से पर जो है वो भगवान है, शेषशाही शेष पर शयन करने वाले, तो वही अव्याकृत है, वो अव्याकृत में चैतन्य तो है लेकिन प्रधानता है प्रकृति, प्रधानता प्रकृति की है, इस अभिप्राय से बलराम को कह दिया प्रधान और कृष्ण को कह दिया पुरुष, कृष्ण पुरुष है बलराम प्रधान, पहला जो है सो क्या नाम है, पहला हुआ राम और फिर मुकुंद, तो राम तो प्रधानम और मुकुंद वो क्या पुरुष, मुकुंद हुआ पुरुष, इस प्रकार से व्यवस्था जुड़ गई, तो एतावता हुआ बलराम और कृष्ण दोनों प्रधान और पुरुष, और दोनों विश्व की योनि है और पुरुष और क्या बीज है, बीज है और योनि है, तो बीज जो है सो बीज माने उपादान कारण और ये समवाय कारण, उपादान कारण एक ही है, और योनि जो है सो माने निमित्त कारण, निमित्त कारण, तो यहां यह ले लेना निमित्त कारण मुकुंद को लेना और बीज जो है सो प्रकृति उपादान कारण ले लेना, क्योंकि ये भी सिद्धांत है ना कि प्रपंच का प्रकृति उपादान है और प्रकृति का अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म जो है सो वो उसमें भी कारणता का व्यवहार होता है, पर मुख्य रूप से उपादानता का व्यवहार केवल मात्र प्रकृति में है, प्रकृति का आधार होने के कारण पर ब्रह्म में भी उपादानता और निमित्तता का व्यवहार होता है, निमित्तता का इसलिए कहना है कि निमित्तता में संज्ञानता रहती है, उपादान में इतनी संज्ञानता की जरूरत नहीं, मिट्टी को संज्ञान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कुलाल के संज्ञान होने की जरूरत है, कुलाल संज्ञान है तब घट का निर्माण कर सकता है, मिट्टी तो संज्ञान नहीं है, तो इसलिए उपादान जो है वो जड़ भी हो सकता है और निमित्त जो है वो जड़ हो ही नहीं सकता, चेतन ही होता है, तो इसलिए तमक प्रधाना प्रकृति तो उपादान माना जाती है, तमक प्रधाना प्रकृति उपादान और विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति वो निमित्त कोटि में चली जाती है, तो इसलिए विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति से विशिष्ट चैतन्य निमित्त कोटि में गया और तमक प्रधाना प्रकृति विशिष्ट चैतन्य उपादान कोटि में गया, तो दोनों ही चेतन ही उपादान भी है, चेतन ही निमित्त है, और प्रकृति भी उपादान भी है, प्रकृति ही निमित्त भी है,
माने माने प्रकृति ही अव्याकृत का विशेषण बन गई, तम प्रधान प्रकृति अव्याकृत का विशेषण बन गई। वही विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति जो है वो निमित्त रूपी ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का क्या विशेषण बन गई। इस प्रकार से दोनों जगह प्रकृति है, दोनों जगह पुरुष है। अव्याकृत में भी ईश्वर में भी दोनों जगह प्रकृति है, दोनों जगह पुरुष है। ईश्वर में विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है और अव्याकृत में तम प्रधान प्रकृति है। अविशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति तो जीव में, ये सब भेद है। इस आधार पर बलराम अव्याकृत रूप है, शेष रूप है, अनंत रूप है, व्यापी वैकुंठ रूप है, शेष रूप है, भगवान का सिंहासन रूप है, आदि आदि जो कुछ भी, वही भगवान की पादुका भी बन जाते हैं, भगवान का छत्र भी बन जाते हैं, और भगवान के शेष बन जाते हैं। शेष माने अंग, भगवान अंगी, अंगी भगवान के शेष बन जाते हैं। भक्ति के ही मर्म है कि भगवान का शेष बन जाना, शेष माने उपकरण, सेवा का साधन बन जाना, भगवान का फूल बन जाना, भगवान का चंदन बन जाना, भगवान का मुकुट बन जाना, भगवान का किरीट बन जाना, भगवान की पादुका बन जाना, भगवान का सिंहासन बन जाना, भगवान का छत्र बन जाना, भगवान का चमर बन जाना, भगवान के पूजा का उपकरण बन जाना, भगवान की पलंग बन जाना। सबसे बढ़िया सेवा क्या है? जो अपने आप को सेव्य का, सेवा का साधन बना देना चाहता है, तो पलंग बना देना चाहता है दूसरे का, अपने आप को दूसरे का पलंग बना देना चाहता है, उसको अपने आप के लिए कहां जगह चाहिए? अपने आप के लिए जगह ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से अव्याकृत बलराम वही प्रधान और पुरुष हुए कृष्ण बलराम, पुरुष हुए कृष्ण। दोनों चेतन है, दोनों प्रकृति है, दोनों जगह चेतन है, दोनों जगह प्रकृति है। एक जगह प्रकृति का प्राधान्य है, एक जगह पुरुष का प्राधान्य, ये भेद। एक जगह पुरुष का प्राधान्य, एक जगह प्रकृति का प्राधान्य। यही सब बात स्त्री पुरुषों में भी चलती है। अब यहां इतना और भेद मानना, कहते हैं अभ्युदय जो है, अभ्युदय लौकिक उन्नति का नाम अभ्युदय, सम्राट हो जाना, स्वराट विराट हो जाना, चक्रवर्ती नरेंद्र हो जाना, अनंत धन धान्य संपन्न हो जाना, ये सब है अभ्युदय। इंद्र बन जाना, महेंद्र बन जाना, वरुण कुबेर बन जाना, ब्रह्मा बन जाना, ये सब है अभ्युदय उन्नति। उन्नति होते 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 ब्रह्म पद प्राप्त हो गए, इंद्र पद प्राप्त, ये उन्नति। तो उन्नति जो जीव की है उसी को कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय में परम प्रधान बलराम, बलराम की आराधना से, अव्याकृत की आराधना से अभ्युदय मिलता है। उसमें भगवान सहकारी, सहायक, भगवान सहायक हैं और प्रधान जो है उसमें मुख्य, अभ्युदय के काम में और भक्ति के काम में, मोक्ष के काम में भगवान प्रधान है, भगवान मुख्य है। भक्ति और मोक्ष देने के लिए भगवान प्रधान है, मुख्य है, और बलराम सहायक, बलराम सहायक। इसलिए और दोनों की आवश्यकता संसार में होती है, बिना अभ्युदय के काम नहीं चलता, बिना निःश्रेष के काम नहीं चलता। इसलिए अभ्युदय और निःश्रेष दोनों, अभ्युदय निःश्रेष दोनों, दोनों की प्राप्ति के, दोनों की प्राप्ति के ये दोनों साधन हैं। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं नंद बाबा से, ज्ञानोपदेश कर रहे हैं ना, इसे थोड़ा वो लोकोत्तर अनुराग को संकुचित हो जाए, जरा धैर्य हो जाए, वो जो व्यग्रता है, व्यग्रता वो कम हो जाए, व्यग्रता कम हो जाए। ज्ञान, ज्ञान के प्रभाव से ऐश्वर्य का वर्णन सुनकर व्यग्रता कम हो जाती है।
जिस समय भगवान राम की वन यात्रा का वर्णन हो रहा हो या भगवान कृष्ण जो है उसे मथुरा जा रहे हो और गोपियां विलाप कर रही हो और ग्वाल बाल सब व्याकुल हो रहे हो, तो उसका प्रभाव वक्ता श्रोता पर भी पड़ता है। वक्ता श्रोता के मन में भी करुणा आ जाती है, करुणा की बात आ जाती है। उसी बीच में यदि समझ लो अरे भाई राम तो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, उनका कहीं वियोग होता है, उनको कोई संताप होता है, ये भाव मन में आता है तो रोना धोना कम हो जाता है, वो रोना धोना कम हो जाता है। ऐश्वर्य का प्रबोध होते ही वो जो करुण रस का प्राधान्य है वो कम हो जाता है। इसी दृष्टि से ये बोल रहे एतौ विश्वस्य च विश्वयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम् अन्वय भूतेषु विलक्षणस्य, वो भूतों में अन्वित होते हैं अंतर्जामी रूप से, अंतर्जामी रूप से सब भूतों में प्रविष्ट हैं, इतना चराचर प्रपंच है, अंतर्जामी रूप से राम कृष्ण दोनों सब भूतों में व्याप्त है, तो भी विलक्षणस्य ज्ञानस्य च इमौ पुराणौ ईशाते यद्यपि यहां प्रकृति भाव हो जाना चाहिए, ईशाते इमौ संधि नहीं होनी चाहिए, हाँ पर आर्ष संधि ईशात इमौ पुराणौ, नहीं तो ईशाते ऐसे ही रहना चाहिए प्रकृति भाव, तो भी संधि इस तरह से हो। पर विलक्षण से का अर्थ करते हैं बिह काल लक्षणम जस्य सा विलक्षण माने अभ्युदय, काल के द्वारा ही, काल पर निर्भर है अभ्युदय, कालाधीन है अभ्युदय, कालाधीन निश्रेष कालातीत कालानवच्छिन्न निश्रेष, इसे भी काल लक्षणम जस्य असौ विलक्षण अभ्युदय माने अभ्युदय के दोनों ईशाते, दोनों अभ्युदय का ये षष्ठी जो है सो क्या नाम कर्म में हो गई है, अधिक और ईश दय इनके सबके योग में षष्ठी हो जाए, अधिगर्थ दय शाम क्या है तो इस तरह से जेसां सहयो भगवान दयेद अनंतः दयेद जेसां, इस तरह से यहां पर भी तो कहते विलक्षण से माने अभ्युदयस्य ईशाते, दोनों राम और कृष्ण बलराम और मुकुंद दोनों अभ्युदय के स्वामी नियामक हैं, उन्हीं के आधार पर अभ्युदय बनता है। दुनिया में जो अभ्युदय होता है कोई ब्रह्मा बन गया, कोई सम्राट बन गया, कोई सेठ साहूकार बन गया, कोई अनंत धन धान्य संपन्न बन गया, कि भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से भगवान के ही नियंत्रण में अभ्युदय होता है। और ज्ञानस्य, ज्ञानस्य माने मोक्षस्य, ज्ञान साध्यस्य मोक्षस्य या मोक्ष मोक्ष साधकस्य ज्ञानस्य, मोक्ष साधक जो ज्ञान है परब्रह्म का साक्षात्कार, मोक्ष साधक जो ज्ञान है उसका भी ईशान भगवान ही, भगवान की कृपा से ही मोक्ष, मोक्ष और भक्ति प्राप्त होती है। उपलक्षण है ज्ञान भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों भगवान की कृपा से होती, इसमें भगवान की कृपा प्रधान, भगवान की कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं यह सब साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव को कोई, ये सब ये गुण साधन ते नहीं हो, ये सब गुण साधन से नहीं होते, आपकी कृपा से कोई कोई में वो गुण आते हैं। है जन्मांतरी कुछ हेतु है, नहीं तो काहे कृपा हो भगवान की कृपा हमें, अहितु की कृपा भगवान की, ये भी ठीक है अहितु की है, लेकिन फिर वही कहना पड़ेगा ना कि फिर
किस पर कृपा हो किस पर कृपा न हो वैषम्य निर्घृण दोष आएगा। इसलिए फिर अंत में वही है कि मई ते ते सुचाप्य हम ये भजन तो तुमाम भक्त्या मई ते ते सुचाप्य हम, जो भक्ति से प्रेम से मुझको भजते हैं उनको मैं भी प्रेम से भक्ति से भजता हूं। तो अर्थात कुछ जीव की तरफ से कुछ भगवत कृपा से ही जन्मांतरी कृपा से ही कुछ भगवान की ओर अभिमुख हो तो भगवान की ओर अभिमुख हो तो फिर भगवान उसको कृपा करके जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, खूब मदद कर देते हैं, खूब उसको माला माल बना देते हैं और भक्ति ज्ञान का भंडार भर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान मोक्ष का साधक जो ज्ञान है उसके भी ईशान भगवान है और चकारात भक्ति के भी ईशान भगवान है और अंभुरय के भी ईशान भगवान है। अर्थात मोक्ष और भक्ति ये सब भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है और अभ्युदय भी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है। अभ्युदय में प्रधान की प्रधानता होती है, माने बलराम का विशेष विशेष आशीर्वाद बलराम का अभ्युदय में होता है, भगवान सहकारी होते हैं। किंतु मोक्ष आदिकों में तो भगवान ही स्वतंत्र होते हैं, वो सहकारी भी और मूल भी दोनों भगवान होते हैं, वो भी दोनों मिले हुए हैं। इसलिए ईशाते दोनों ही करता है इसके, इसलिए बलराम और मुकुंद दोनों ही ईशान हैं। तो अर्थात उसमें भी कुछ न कुछ मान लिया देह की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, मन की अपेक्षा, इनके स्वस्थ रहने की अपेक्षा तो है ही सबको। देह स्वस्थ न रहे, इंद्रियां स्वस्थ न रहे, मन स्वस्थ न रहे तो ज्ञान प्राप्ति में भी बाधा पड़ती है और साधना अभ्यास में भी बाधा पड़ती है और अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान के अर्जन में बाधाएं पड़ती। इसीलिए सब प्रार्थना करनी पड़ती है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै या भद्रं करणे विश्वणयाम देवा भद्रं पश्ये मा क्षिभिर्जत्राः। भगवान से उपनिषद पढ़ने वाला विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे कान हमारे श्रोत्र हमारा इंद्रियां हमारे नेत्रादि सब के सब सावधान हो और वो उचित रूप से वेदांत का श्रवण कर सकें, ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें, उसका समुचित फल प्राप्त कर सकें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए फिर प्रार्थना करते हैं तो माने सापेक्ष है, तो इसलिए इसमें सब में अभ्युदय की भी अपेक्षा है, बलराम की सहायता की भी अपेक्षा है और मुकुंद की भी सहायता की अपेक्षा है, ये सब बात है। ये तो ही विश्व सच बीज योनि राम मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषाति मऊ पुराण। एक टीकाकार यहां कहते हैं ज्ञानस्य माने निर्गुणस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणा ईशाते, क्योंकि बदंत तत्त्वविदः तत्कुंज ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कहते हैं ज्ञान जो है वही परब्रह्म है, ज्ञान परब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां पर भी ज्ञान को परब्रह्म कहा, ज्ञानम ब्रह्म। तो ज्ञानम ब्रह्म कैसा ज्ञानम, अद्वयम ज्ञानम, अद्वैत ज्ञान में हाँ ले लो तो वो ज्ञान जो अद्वैत ज्ञान सजाति विजाति सुगत भेद रहित ज्ञान, वो ज्ञान माने ब्रह्म। तो ब्रह्म का भी ईशान ये दोनों करते, मुकुंद और कृष्ण ये दोनों ब्रह्म का भी, ब्रह्म पर भी शासन करते हैं, ब्रह्म का भी ईशान नियंत्रण करते हैं। कैसे जाना, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्याद्वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण मैं ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूं, आधार हूं, ब्रह्म भी मेरे ही में अध्यस्त है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, कौन ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म, अव्यय ब्रह्म, अव्यय ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म, उसकी भी प्रतिष्ठा कृष्ण है। ऐसे धूप की घाम की प्रतिष्ठा सूर्य है, जो आतप फैला हुआ है संसार में,
प्रकाश आतप घाम, उसका आधार क्या है? सूरज। सूरज से ही सब आतप प्रकाश रश्मि पुंज बाहर निकलता है। ऐसे ब्रह्म रूपी प्रकाश का आश्रय सूरज रूपी मैं कृष्ण, वो सूरज रूपी कृष्ण से अनंत अनंत प्रकाश रूपी ब्रह्म प्रादुर्भूत होता है। और ब्रज लोग कहे, ब्रज वासी लोग कहते हैं राधा रानी के नूपुर का जो प्रकाश है वही ब्रह्म। राधा रानी के नूपुर का जो प्रकाश है वही ब्रह्म, और राधा रानी के नूपुर की जो झंकृति है वही शब्द ब्रह्म है। नूपुर की झंकृति वो सब शब्द ब्रह्म है, और उसका जो प्रकाश है वही ब्रह्म। इस प्रकार से जो भावुक लोग हैं इस प्रकार से अपने इष्ट देवता की का सर्वोत्कर्ष वर्णन करना ही चाहिए, इसलिए हमको इससे प्रसन्नता होती है, कोई ये नहीं होता है खराब। ठीक है, दार्शनिक लोग औपनिषद औपनिषद लोग अपने ढंग से विचार करते रहे, ये भी एक विचारधारा है, सुनना चाहिए। तो इस तरह से ये सब है, इसलिए ज्ञान से माने ब्रह्मण ब्रह्मण उनका भी ईशाते इत्यादि इत्यादि। वेत्सस्यनुगृहीतं माम परब्रह्मेत शब्दितं संप्रश्नैर्विवृतं हृदि। ओ मत्स्य मत्स्यावतार के समय का वर्णन है, जिसमें कहा कि मेरे अनुग्रह से संप्रश्नों से विवृत जो जो क्या नाम ब्रह्म है उसको भी तुम जानोगे। ये सब बात है, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा अर्थ नहीं है। एक देसी अर्थ ऐसा है, वस्तु तस्तु ज्ञान से अर्थ वही है, मोक्ष मोक्ष साधक ज्ञान और भक्ति और विलक्षण का अर्थ अभ्युदय, इन सब का ईशान स्वामी नियंत्रण करने वाले बलराम और कृष्ण हैं, यही अर्थ है। क्योंकि शास्त्रों में उपनिषदों में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में कृष्ण को ब्रह्मई कहा, ब्रह्म कृष्ण एक ही जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो नंद नंद ब्रज के निवासियों का धन्य भाग्य है, धन्य भाग्य है, क्योंकि उनका मित्र जो है वो पूर्णम परम ब्रह्म कृष्ण है। तो कृष्ण जो है पूर्ण पर ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म में और कृष्ण में भेद मानना और ब्रह्म को कृष्ण का प्रकाश मानना और उनको सूर्य स्थानीय मानना ये सब सिद्धांत नहीं। तयोरित्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयो हो दीक्षानुरागम परमं नंदमाहोद्धो मुदा। इस प्रकार से नंद और यशोदा दोनों का भगवान कृष्ण में इस प्रकार से अनुराग देखा, बड़ा विलक्षण अनुराग। कृष्णे सदानंद रूपे, सदानंद रूप जो कृष्ण है परमानंद घन कृष्ण में नंद और यशोदा का ऐसा लोकोत्तर अनुराग को देखकर परमम अनुरागम, परमम अत्यंतम उत्कृष्टम अनुरागम, अत्यंत उत्कृष्ट अनुराग देख करके नंद माहोद्धो मुदा चैत्य पीछे चल गया। आगे ही जस्मिन जन प्राण वियोग काले क्षण समावेश मनो विशुद्धम निर्वृत्त कर्माशय माशु जाति परांगतिम ब्रह्म मयोर कवर्ण। ये उद्धव जी कहते हैं ये ऊंचा ज्ञान विज्ञान वर्णन किया तो भाई वक्ता जो है वैसे होते हैं, श्रोता को देखते रहते हैं, श्रोता की स्थिति क्या है, श्रोता की मनस्थिति क्या है। अध्यापक जो है विद्यार्थी को देखता रहता, हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो बस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो नहीं समझ रहा तो फिर उसको प्रकारांतर से रूपांतर से निरूपण करता है। तो उद्धव जी जो है सो बड़े चतुर बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान कृष्ण के परम प्रिय हैं,
सब जानते जान रहे हैं कि उद्धव जी हमारी इस बात को, ये नंद बाबा हमारी इस बात को ग्रहण नहीं कर रहे, उपेक्षा कर रहे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उपेक्षा कर रहे ये समझते हुए। तभी वही जो नंद बाबा को अभीष्ट है फिर वही बात बोले, क्या बोले, जस्मिंजन प्राण वियोग काले। नंद बाबा अरे तुम्हारे लाड़ेले लाल कृष्ण कौन है, जस्मिंजन प्राण वियोग काले, प्राणी प्राण वियोग काल में मरने लगता है जिसके स्वरूप में एक क्षण भर अपने मन को लगा करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, मरण काल में माने वो मरण काल में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी व्यग्रता होती है, और अपवित्रता भी रहती है। मरण काल में रोज नहाना धोना भी नहीं बनता, कई ढंग से लोग मरने वालों को नहाने ही नहीं देते, चाहिए नहाना वाला नहीं, लेकिन ये सोचते हैं कि कष्ट होगा ये होगा वो, तो उस समय अशुद्धि भी रहती है, कभी कभी तो मरण काल में मूत्रादि निकल जाता है कई लोगों मरण के समय, और कफ वफ तो इधर उधर रहता ही है, मुश्किल से कफ से तो कंठ अवरुद्ध होता ही है। हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति महापुरुष सौभाग्यशाली, भाई कोई ज्ञानियों वानियों की बात नहीं, कहे ज्ञानी भी बड़े परेशान होकर मरते हैं, ज्ञानी भी नई नियम की ज्ञानी बिल्कुल ठीक है ठीक मरता, ज्ञानी भी कई तरह का मरता, इसीलिए ज्ञानी वो पहले ही बोल देते हैं भाई रुग्णो वा बिलुठन भुवि निरोगोपविष्टो वा रुग्णो वा बिलुठन भुवि। ज्ञानी चाहे निरोग होकर समाधि में बैठकर प्राण त्याग करे तो, अथवा रुग्णो वा बिलुठन भुवि रुग्ण होकर के भूमि में लौट रहा है, लौटता हुआ भूमि में तड़फड़ाता हुआ प्राण त्याग करे तो भी कैवल्य में मोक्ष में कोई फर्क नहीं। ऐसे तो ये तो सब देह त्याग की विडंबना है, जैसे तैसे देह को त्याग दो, चाहे रुग्णो वा बिलुठन भुवि रुग्ण होकर के पृथ्वी में लौटते हुए प्राण त्याग कर दो, अथवा निरोग होकर समाधि में स्थित होकर प्राण त्याग दो, प्राण त्याग के अनंतर वो मुक्तो सो विगताशया। और ये भी तो है, क्या नाम है, तरुंत तुब्बा काश्याम सुपतस्य गृहे थवा, यानी काशी में तनु त्याग करे अथवा किसी चांडाल के घर में जाकर प्राण त्याग करे, तनुं त्यजतु वा काश्याम सुपतस्य गृहे थवा, तो ही मुक्तो सु विगताशयः, उसका अंतकरण जो वासनाओं का आश्रय है वो बाधित हो जाता है तत्व ज्ञान से, उसलिए मुक्त हो जाता है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तो अस्तु कहने का अभिप्राय कि मरण काल में बड़ा कष्ट होता है, नाना प्रकार की पीड़ा होती है, अशुद्धि भी बहुत रहती है, व्यग्रता भी बहुत रहती है, उस समय भी मरण काल में भी अगर भगवान में किसी ने चित्त लगा दिया और देर तक नहीं क्षणमपि, देर तक नहीं घंटा तो घंटा भगवान में मन लगा रहे सो छोड़ो, क्षणमपि मरण काल में घोर व्यग्रता दशा में घोर आदि व्याधि से घिरे रहने पर और अशुचिता अशुद्धि रहने पर भी मन क्षण भर भगवान के बीच में लग जाता है तो कर्माशय को वासना को त्याग करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो कहते बिरी कौन सी बात, कौन सी नई बात आप कह रहे, ये तो वेद ही कहता है, यथा जगा जगा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा जे सिर्द स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति
अत्र ब्रह्म शमश्नुते। बृहदारण्यक की श्रुति है जो कहती है जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जिस समय प्राणी के हृदय से काम सब विनष्ट हो जाते हैं, कामनाएं विनष्ट हो जाती हैं। कौन काम? जो हृदयस्थिता, जो इसके हृदय में स्थित है। मान इसका मतलब वो काम क्या है? कहते ग्रंथि रूप। क्राम क्या है? बोले ग्रंथि रूप काम है। इसीलिए प्रमुच्यन्ते माने खुलने को कहते प्रमुच्यन्ते। तो गांठें खुलती है और क्या खुलता है? जो वस्तु भावात्मक है वो खुलेगा क्या? इसलिए ग्रंथि रूप है, ग्रंथि रूप ही काम है। ग्रंथि रूप काम तत्व ज्ञान से ग्रंथि खुल जाती है, ग्रंथि खुल जाने से काम मुक्त हो जाता, काम खत्म हो जाता है। आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा की जो ग्रंथि है, जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ी गई, जब मखा छूटत कठिनई, ये जो आत्मा अनात्मा की गांठ लग गई है, सत्यानृत का मिथुनी भाव हो गया है, एक सत्य है एक अनृत है, आत्मा सत्य है अनात्मा अनृत है, तो सत्यानृत का जो ये मिथुनी भाव हो गया है, गांठ लग गई है, एक रस्सी सच्ची हो एक रस्सी झूठी हो, दोनों की गांठ लग गई, और ऐसी गांठ मजबूत के खोले न खोले, ये भी अंधेर खाते की बात है। तो परंतु कहते श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटना अधिक अधिक उरझाई। श्रुति और पुराणों ने बड़ा उपाय कहा इस गांठ खोलने का, पर वो गांठ खुली नहीं, अधिक से अधिक उलझती गई। जितना जितना खोलने का प्रयास किया गया उतने उतना उलझती गई। कबीर कहते खट दर्शन में खटपट हो गई, काहू भेद ने पाया रे, खट दर्शन में खटपट हो गई, किसी ने भेद पाया नहीं। तो इस तरह से वो ग्रंथि का, ग्रंथि की महिमा बड़ी भारी। तो वो काम है, वो काम जिस समय नष्ट हो जाता है उस समय से मरते अमृतो भवति, उस समय मरते अमृत हो जाता है। तो इसमें प्राण वियोग काल में भगवान ने मन के प्रवेश की क्या बात है? इसलिए कहते नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, ग्रंथ मोक ही पर्याप्त नहीं है। ग्रंथ मोक के बाद चित्त का भगवत सन्निवेश होना चाहिए। ग्रंथि छूटे तो चित्त भगवत प्रतिष्ठ हो। चित्त जब तक भगवत प्रतिष्ठ नहीं होता, आत्मा अनात्मा का विवेक हो, अनात्मा का बाद हो, अनात्म बाद के अनंतर आत्मा में मन प्रतिष्ठित, इसलिए ग्रंथि भी खुले, आत्मा अनात्मा का अन्योन्याध्यास भी मिटे, काम भी मिटे, और काम के बाद निष्काम मन भगवत स्वरूप में सन्निविष्ट हो, निष्काम मन भगवान के स्वरूप में प्रविष्ट हो। तो इस तरह से अब यहां कहते हैं और भी बड़ी विशेषता बताते, जना जस्मिन जना, कहने का मतलब अधिकारी उसका जन सामान्य है, ये नहीं कि ब्राह्मण ही अधिकारी है, ब्राह्मण ही अधिकारी है प्रश्न नहीं है, जना जन सामान्य, कोई भी सुपच भी पतित भी, ब्राह्मण भी, स्त्री भी, पुरुष भी, कोई भी जन सामान्य जो मरण काल में, जीवन बनना बने तो न सही, मरण काल में अति व्यग्रता दशा में, अति अशुचि दशा में भी अगर क्षण भर भी भगवान में मन प्रविष्ट कर दे तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है।